11 जून 2024 को अचानक साउथ सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा को पुलिस अरेस्ट करती है और ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैलती है कि कर्नाटक में बवाल मच जाता है। लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं और छोड़ने की बात करने लगते हैं। दरअसल साउथ इंडिया में फिल्म स्टार्स को लोग न सिर्फ बेइंतहा चाहते हैं बल्कि कई तो उनकी भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। यह लोग अपने हीरो के लिए जान भी दे सकते हैं, इसलिए जैसे ही दर्शन के अरेस्ट की खबर मिलती है लोग रास्ते पर निकल जाते हैं। पर जब पुलिस ये बताती है कि दर्शन थुगुदीपा को रेणुका स्वामी के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया है तो किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कौन है रेणुका स्वामी जिसके मर्डर का इल्जाम एक सुपरस्टार को बताया जा रहा है? क्या फिल्मों में हीरो बनकर लोगों को बचाने वाला आज रियल लाइफ में एक विलन बन गया है? आखिर यह कहानी शुरू कहां से होती है? दर्शन एक सुपरस्टार या मर्डरर? चलिए जानते हैं। कर्नाटका के चित्रदुर्ग के अपोलो फार्मेसी में काम करने वाला 33 साल का रेणुका स्वामी रोज की तरह अपने काम पर गया था, लेकिन 8 जून 2024 को फार्मेसी पहुंचने से पहले रेणुका स्वामी गायब हो जाता है। फिर 9 जून की सुबह चित्रदुर्ग से 196 किमी दूर बैंगलोर के कामाक्षी पाल्या में गंदे नाले के किनारे कुछ लोगों को एक डेड बॉडी दिखती है जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे होते हैं। इस डेड बॉडी की खबर जैसे ही लोकल पुलिस को मिलती है वैसे ही पुलिस की एक टीम उस बॉडी को नजदीक के एक हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है, जहां से यह पता चलता है कि इसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में पुलिस यह पता करने निकल जाती है कि आसपास के पुलिस स्टेशन में क्या किसी शख्स की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। सिंस यह डेड बॉडी नाले के किनारे मिली थी तो ऐसा हो सकता है कि यह बहकर आई है। और फिर पुलिस को खबर मिलती है कि पास के इलाके में एक शख्स की मां ने अपने बेटे की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और 8 जून से उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। पुलिस उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाती है और जब शव को दिखाती है तो उसके कपड़े को देखते ही माँ का दिल दहल उठता है, क्योंकि यह लाश उसी के बेटे रेणुका स्वामी की थी। बेंगलुरु पुलिस पहले तो इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी, पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इस बात का खुलासा किया जिससे इस केस का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। रेणुका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान पाए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी नाक और जीभ काट डाली गई थी, जबड़ा तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थीं। ऐसा लगता था कि जैसे उसे दीवार से टकरा कर मारा गया है। उसके खोपड़ी में फ्रैक्चर के कई निशान पाए गए थे। अब पुलिस इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग गई, पर उनके सामने एक सवाल था कि एक मेडिकल शॉप पर छोटी सी जॉब करने वाले रेणुका स्वामी किसी का क्या बिगाड़ सकता है? वह तो बस एक सीधा साधा इंसान था जिसका न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, न कोई कंप्लेन, न कोई विवाद था और न ही किसी से दुश्मनी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। सिंस ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था इसलिए मीडिया ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और पुलिस भी आराम से इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तभी अगले ही दिन 10 जून 2024 को उसी पुलिस स्टेशन पर 3 लोग पहुंचते हैं, रघवेंद्रा, कार्तिक और केशव मूर्ति, जो पुलिस के सामने ये कन्फेस करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। जिस केस पर पुलिस छानबीन में लगी हुई थी कि अचानक अपराधी खुद आकर पुलिस स्टेशन पर सरेंडर कर देते हैं। यह तीनों पुलिस से कहते हैं कि रेणुका स्वामी से इनके पैसे के लेने देन को लेकर कुछ विवाद था जिस वजह से उन्हें रेणुका को मारना पड़ा। जहां पुलिस अभी तक इस केस में उलझी हुई थी वही अब यह केस खुद ब खुद सुलझ कर बंद होने की कगार पर आ चुका था। पर जैसे ही इस केस की खबर DCPS गिरीश कुमार को मिलती है उनको यह बात कुछ हजम नहीं होती और वह सोचने लग जाते हैं कि कातिलों का यूं सरेंडर कर देना और स्वामी के टॉर्चर जैसे चोटों से यह तो नहीं लगता कि यह सिर्फ पैसे को लेकर कोई झगड़ा है। बस फिर क्या, DCP गिरीश तीनों से पूछताछ में लग जाते हैं। पहले तो वह उन्हें एक साथ बैठाकर पूछताछ करते हैं, उसके बाद उन्हें अलग अलग करके पूछताछ करते हैं कि उन्होंने यह मर्डर कब, कैसे और कहां किया, जिसका जवाब तीनों अलग अलग देते हैं। अब इससे तो यह साफ हो जाता है कि तीनों झूठ बोल रहे होते हैं। पुलिस तीनों की कॉल डिटेल्स लेती है और इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और जब पुलिस इनके 48 घंटे के कॉल रिकॉर्ड को निकलवाती है तो तीनों की कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सेम होता है जिससे यह तीनों पिछले 2 दिनों से बातचीत में लगे हुए थे। पुलिस जब इस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के चैलेंजिंग स्टार दर्शन थुगुदीपा का होता है। स्वामी के तीनों मर्डरर और
फिल्म स्टार दर्शान के इस कनेक्शन से पुलिस हैरान थी। इसके बाद पुलिस उन तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है, पर इस बार पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद यह तीनों जो बताते हैं उससे किसी को यकीन नहीं होता है। एक ऐसा सच जिससे पूरे कर्नाटका में बवाल मचा दिया, जिसने दर्शन की जिंदगी की असलियत सबसे सामने रख दी। दरअसल पवित्रा गौदा नाम की एक्ट्रेस, जो कन्नडा में फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, इसी बीच एक दिन उनकी मुलाकात दर्शन थुगुदीपा से होती है, जिसके बाद पवित्रा दर्शन को दिल से बैठती है। हालांकि दर्शन पहले से शादीशुदा होते हैं। आपको बता दें कि साल 2003 में विजय लक्ष्मी से दर्शन की शादी हुई थी, जिनका एक बच्चा भी है। जहां सबकी नजरों में दर्शन की शादीशुदा जिंदगी यूं तो बहुत अच्छी दिख रही थी, पर शादी के कुछ साल बाद ही दर्शन के अपनी पत्नी से संबंध बिगड़ने लगे थे। बता दें कि दर्शन का नाम पहले भी विवादों में रहा है, जैसा कि साल 2011 में उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दिया था। तब दर्शन को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा था। हालांकि बाद में दर्शन की पत्नी ने उनके खिलाफ केस को वापस ले लिया था। साल 2016 में फिर एक बार दर्शन की पत्नी ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर की शिकायत करते हुए पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद साल 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा, जिस मामले को उन्होंने 50,000 रुपए देकर रफा दफा कर दिया था। इतना ही नहीं, साल 2022 में दर्शन के खिलाफ एक कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें धमकाने को लेकर मामला दर्ज करवाया था, और फिर साल 2023 की शुरुआत में दर्शन के फार्म हाउस पर छापा मारा गया। खैर, इन सब के बावजूद भी दर्शन और विजय लक्ष्मी की रिलेशनशिप पहले से थोड़ा सही चल रही होती है, पर नवंबर 2023 को पवित्रा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करती है, जिसमें दर्शन पवित्रा की बेटी के साथ केक काटते और डांस करते हुए नजर आते हैं। इतना कम था कि 24 जनवरी 2024 को पवित्रा गौड़ा की इंस्टाग्राम पर यह रील वायरल हो जाती है, जिसमें पवित्रा अपने और दर्शन के रिश्ते को दुनिया के सामने रखती है और लिखती है, हमारे रिश्ते को 10 साल बीत चुके हैं, अभी और आगे जाना है। जिस किसी को इस रिश्ते को खबर तक नहीं होती, आज एक पोस्ट ने सालों से छिपाई जाने वाली सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस केस का इन सब से क्या लेना देना है? तो आपको बता दें, इस केस की असली जड़ यही से शुरू होता है। इस रील पर दर्शन के फैंस भर भर के कमेंट करते हैं। कोई विजय लक्ष्मी और दर्शन के रिश्ते के सपोर्ट में था, तो कोई पवित्रा और दर्शन के। इन्हीं फैंस में एक रेणुका स्वामी भी था, जो दर्शन थुगुदीपा का जबरा फैन होता है, जिसे वह भगवान की तरह पूजता था। अपने भगवान की जिंदगी की यूं उथल पुथल और दर्शन विजय लक्ष्मी के रिश्ते को यूं टूटता देख उसे रहा नहीं जाता, और वह पवित्रा को लगातार ऑब्जेक्शनेबल कॉमेंट करने लगता है। इतना ही नहीं, वह पवित्रा के इंस्टाग्राम आईडी पर पिछले 2 महीनों से मैसेज करके पवित्रा को दर्शन और विजय लक्ष्मी के रिश्ते टूटने की दोषी ठहराता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि रेणुका स्वामी पवित्रा को गंदे गंदे मैसेजेस भेजता था। इतना ही नहीं, 28 मई 2024 को रेणुका ने अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो भी पवित्रा को भेजा था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, पर पवित्रा ये सारी बात दर्शन को बताती है कि एक लड़का उसे गंदे गंदे मैसेजेस करता है। दर्शन को यह बात बहुत खराब लगती है, जिसके बाद दर्शन अपने एक एम्प्लॉई को इसकी डिटेल्स निकालने को कहते हैं, जिसके बाद वह पवित्रा गौड़ा नाम से एक फेक आईडी बनाकर रेणुका को मैसेज करता है। रेणुका को लगता है शायद उससे पवित्रा बात कर रही है, और स्वामी इस झांसे में आ जाता है और बात बात में अपना नाम और अपना एड्रेस भी बता देता है। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने अपने फैन क्लब के प्रेसिडेंट रघुवेंद्रा को रेणुका स्वामी को किडनैप करके बैंगलोर लाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके लिए दर्शन ने उसे 30 लाख रुपए भी दिए। अगले दिन 8 जून की सुबह रेणुका स्वामी जब अपने फार्मेसी जा रहा होता है, तो रघुवेंद्रा उसे रास्ते में यह कहकर साथ चलने के लिए कहता है कि उससे दर्शन थुगुदीपा मिलना चाहते हैं। रेणुका स्वामी फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा का जबरा फैन था। ऐसे में जब दर्शन के लोगों ने रेणुका से कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहता है, तो उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे कहा गया कि तुमको सिर्फ पवित्रा गौड़ा के पोस्ट पर किए गए ऑब्जेक्शनेबल कमेंट के लिए माफी मांगनी है। अपने स्टार से मिलने की खुशी में रेणुका स्वामी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर स्वामी को कहां पता था उसकी यह खुशी दर्शन से मिलकर हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। स्वामी को किडनैप करने के बाद वह उसे बैंगलोर के पट्टानगरे इलाके के शेड में लेकर पहुंचते हैं, जहां पर शुरू होता है मौत का असली खेल।
दो से तीन लोग मिलकर रेणुका को कई घंटों तक टॉर्चर करते हैं। फिर कुछ घंटों बाद दर्शन और उनकी गर्लफ्रेंड पावित्रा उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था। अधमरी हालत में अपने हीरो को आंखों के सामने देखकर स्वामी को खुश हो जाता है कि फिल्मों की तरह उसका हीरो उसे बचाने आया है। पर कहते हैं फिल्म और रियल लाइफ में फर्क होता है। फिर क्या स्वामी को देखते ही दर्शन उसे अपना बेल्ट निकालकर तब तक मारते हैं जब तो उसका मन नहीं भर जाता है। जिसे स्वामी भगवान समझता था आज वही भगवान शैतान बनकर उसको मौत के घाट उतारने आया था। पूरे दिन चले टॉर्चर से आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। यह टॉर्चर इतना भयानक था कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेणुका स्वामी की मौत शॉक और हिमोरेज से हुई थी। इसके अलावा बॉडी पर 15 घावों के निशान भी पाए गए। आपको बता दें कि रेणुका स्वामी की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी और रेणुका स्वामी उसकी वाइफ सहाना दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। और फिर अगले दिन इन लोगों ने सैमी के डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पाल्या के नाले में फेंक दिया, जिसके बाद ही पुलिस को स्वामी के डेड बॉडी की खबर मिलती है। दर्शन जहां इस उन तीनों को पुलिस स्टेशन में भेजकर केस से निकलने की कोशिश में था, उसका यही प्लान उस पर भरी पड़ गया। ड्राइवर रावी ने खुद को सरेंडर करके इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी दे दी। रावी वही ड्राइवर था जिसकी कार में रेणुका को लेकर आया गया था। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती जा रहा है, वैसे ही इस केस से जुड़ी कई सारी जारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कहा जा रहा है कर्नाटक के एक राज्य मंत्री ने ही अपने फिल्म स्टार दोस्त दर्शन को इस मामले में बचाने की कोशिश की है। कुछ सोर्सेज ने दावा किया है कि जब पुलिस ने रेणुका के कत्ल के मामले में मैसूरू के एक होटल से दर्शन को हिरासत में लिया था, तब इस मंत्री ने न सिर्फ बेंगलुरु के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल्स किए बल्कि गृह मंत्री और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के वर्कप्लेस में भी संपर्क साधकर उसकी मदद करने की बात कही। हद तो तब हो गई जब इस मामले को लेकर ये मंत्री खुद गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर से उनसे मिलने पहुंच गया। हालांकि इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बाद में गृह मंत्री ने साफ किया कि उन पर इस मामले में किसी का कोई भी दबाव नहीं है। पुलिस ने इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल तो फिलहाल शेयर नहीं की है, लेकिन ये बताया है कि उसने दर्शन को आरोपी नंबर एक नहीं बल्कि आरोपी नंबर दो बनाया है, जबकि आरोपी नंबर एक उसकी दूसरी बीवी पवित्रा गौड़ा है जिसे लेकर ये सारा मामला शुरू हुआ था। अब पुलिस के पास ऐसा करने के क्या आधार है ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर और दर्शन के हिमायती लोगों की ओर से पुलिस के काम काज में डाली जा रही बाधा के चलते पुलिस ने ये फैसला किया है। अब इसका असर केस पर क्या और कैसा होगा ये एक देखने वाली बात है। बाकी अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।